नागौर जिले के मेड़ता में यूपी और महाराष्ट्र के श्रमिकों को अनुमति नहीं मिलने पर बुधवार को श्रमिकों ने नगरपालिका परिसर में हंगामा कर दिया। दरअसल मेड़ता में कई मजदूर महाराष्ट्र से हैं जो सराफा कारोबार में जुड़े हैं और साथ ही पानीपुरी और चाट के ठेले लगाने वाले यूपी के कई परिवार हैं। इनको सरकार से अपने घर जाने की अनुमति नहीं मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। मजदूरों ने नगरपालिका परिसर में महिलाओं और बच्चों के साथ पहुंचकर हंगामा किया और घर जाने की अनुमति नहीं मिलने तक राशन और पानी की मांग की। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह भाटी ने यह बताया कि इनके अनुमति के लिए पत्र भेजा गया है, अनुमति मिलने पर ही उनको भेजने की व्यवस्था होगी। खाएं क्या पिए, हम भूखे मर रहे हैं और आप यहाँ सब रोकते हैं, पुलिस वाले ठोकते हैं लाठियां के, कहाँ जा रहे हो, यहाँ आते हैं नगर पालिका में तो बोलते क्या समस्या पूछी जाती है, तो हम क्या समस्या बार बार बताएं, 20 दिन फिरते फिरते हो गया मुझे, क्या करें हम साहब, बोलो आप, मर जाएंगे ऐसे ही हम, बोलते हैं मास्क नहीं बांध रहा, मास्क हम करें क्या, फिर ये मांगे कि मुझे बुलाया जाए और ये 50% उनने आदमी बुलाए हैं मजदूर, हमको क्यों नहीं बुलाया गया, कि हमने उनको वोट नहीं दिया क्या, हमने हमारी क्यों समस्या, ये समाधान क्यों नहीं हो रहा है हमारा, यहाँ हम परेशान है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही मर जाएं।